हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक से स्विस बैंक क्या होते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से वर्क करते हैं ये, क्यों जाने जाते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये क्रेडिट स्विस नाम का बैंक है जिससे अराउंड 30,000 अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ है। और ये जो स्विस बैंक होते हैं ये जाने जाते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए, अपने कस्टमर्स का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो अब ये डेटा लीक हुआ है इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में भी है, बट स्विस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए होते क्या है ये। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, डेटा लीक हुआ है अराउंड 30,000 अकाउंट्स का, किस बैंक से, क्रेडिट स्विस नाम का बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख। ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और ये जो बैंक है क्रेडिट स्विस बैंक, ये 1856 आज से 166 ईयर पुराना बैंक है, तब ये बना था। और इसका नाम क्या है, क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी, बेसिकली क्रेडिट स्विस बैंक है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है। बेसिकली ये इस बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 30,000 अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन करीब कितनी अकाउंट्स की है, तो 30,000 अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है और इसमें पैसा करीब करीब कितना होगा, तो 100 बिलियन डॉलर होगा। हम बात करते हैं ब्लैक मनी की, इंडिया का ब्लैक मनी बाहर विदेश में स्विस बैंक में है, बाहर के बैंक में है तो वो डेट जो मनी है वो ब्लैक मनी वो हमें इंडिया लेके आना है, ये बातें करते हैं हम। ठीक है, स्विस बैंक में हम इस तरह की आपने सुना होगा, तो वो ये वही वाला बेसिकली मनी होता है जो हम बात करते हैं कि बाहर से हमारी कंट्री में लेके आना है। तो ये जो क्रेडिट स्विस नाम का बैंक है उसमें करीब 30,000 अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ है और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक बैंक है। ठीक है, अ लॉट ऑफ विच इज सस्पेक्टेड टू बी डर्टी मनी, इनमें से ज्यादातर इस तरह का माना जा रहा है कि डर्टी मनी है, मतलब कि वो एक ब्लैक मनी है बेसिकली, ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजर्स, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम बात करते हैं विजय माल्या हमारा देश का पैसा लेके बाहर चले गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि घोटाला वगैरह करके चले गए, पैसा जो था वो लेके दूसरे बैंक में डाल दिया। तो ये जो स्विट्जरलैंड में, जैसे कि ये क्रेडिट स्विस बैंक है, इसके अलावा हम स्विस बैंक की बात करते हैं, तो ये जो बैंक है सारे के सारे ये अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें बिजनेस पर्सन भी हैं हु हैव बीन पुट अंडर इंटरनेशनल सैंक्शंस, जिन पे इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। तो इस तरह के लोगों का मनी जो था ये 30,000 अकाउंट्स में, वो बेसिकली उनमें से बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनका डर्टी मनी है, ब्लैक मनी है। ठीक है, ओके, तो इसीलिए न्यूज़ में है। अब ये जो डेटा है वो कैसे लीक हुआ, कहाँ से पता चला, तो ये जो डेटाबेस है वो कहाँ से मिला, एक जर्मन न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये आपका जर्मन न्यूज़पेपर है, उसमें ये डेटा दिया गया था और जिसको किसके साथ शेयर किया गया था, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसके साथ शेयर किया गया और साथ ही साथ 46 अदर न्यू पब्लिकेशंस के साथ भी इसको शेयर किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, ठीक है, गार्डियन है, लिमोंडे है, तो इस तरह के न्यूज़पेपर्स के साथ, पब्लिकेशंस के साथ इसको शेयर किया गया। इन सभी ने इस डेटा को मतलब शेयर किया। अभी आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि इतना सारा डेटा के बारे में पता चला है। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो इतने सारे 30,000 अकाउंट्स की डिटेल के बारे में पता चला है, तो ये इन्वेस्टिगेशन वापस हमें रीफोकस कहाँ पे करती है, हमारा अटेंशन कहाँ पे लेके जाती है, स्विस बैंक पर लेके जाती है, क्योंकि ये पैसा स्विस बैंक में ही है एंड देयर फेमस सेंचुरी ओल्ड कल्चर ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे ये जो स्विस बैंक होते हैं इनका बहुत पुराना एक कल्चर है, ये क्या करते हैं कि अपनी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, सीक्रेट रखते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, और ये जो बैंक है इसी वजह से थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज क्या चाहती हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि उन कंट्रीज के जो सुपर रिच लोग हैं, जो वहाँ के टैक्स, जैसे कि हमारे यहाँ जो अमीर अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ का टैक्स चोरी करके, मतलब वो टैक्स नहीं दे रहे गवर्नमेंट को और अपना पैसा बाहर के बैंक में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो पैसा इजीली दूसरी कंट्री में चला जाता है, आराम से पैसे को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पैसा दूसरी कंट्री में चला जाता है, चोरी कर लेते हैं टैक्स की, और चोरी कर लेते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, चोरी करके दूसरे कंट्री में आपने पैसा भेज दिया, तो कंट्रीज क्या चाहती है कि भैया हमारा टैक्स हमारे पास आए, ये जो कंपनीज हैं, जो इतने अमीर लोग हैं, ये हमारा पैसा ले जाके दूसरी जगह दे रहे हैं और टैक्स हमें नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी पैसा अमीर लोग कमा रहे हैं, जो भी पैसा कोई भी कमा रहा है उस पर टैक्स दे,
ठीक है, टैक्स देगी तभी तो देश की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स की वजह से कंपनी इन बैंक पर प्रेशर डालती है कि आप डेटा उनका हमें बताओ। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में भी रहते हैं। तो अब स्विस बैंक क्या है? तो देखिए, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, 18 सेंचुरी की बात है, बिगनिंग ऑफ द 18 सेंचुरी। तब जेनेवा में क्या था कि ये जो फ्रेंच रॉयल्टी और अदर यूरोपियन एलाइट जो लोग थे, जिनकी वेल्थ थी, पैसा था, वो पैसा वो कहीं जाके सेव करना चाहते थे, कहीं जाके इन्वेस्ट करना चाहते थे, कहीं जाके उसको सेफ जगह पे रखना चाहते थे। तो जेनेवा इस चीज में उनकी हेल्प भी कर रहा था। 1713 में स्विस गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया, कुछ लॉज अनाउंस किए कि वो प्रोहिबिट करेंगे बैंकर्स को फ्रॉम गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर। मतलब कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर ना करें, इसलिए प्रोहिबिट करेंगे, मतलब कि बैंकर्स अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे इनके। ठीक है, तो इस तरह की बात हुई। बाद में क्या हुआ, ये चीजें आगे आगे चलती गई, तो यहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई, बिगिन द पावरफुल कल्चर ऑफ साइलेंस एंड सीक्रेसी। ठीक है, साइलेंस, चुप रहेंगे, अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन दूसरों को नहीं शेयर करेंगे और सीक्रेट रखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। तो साइलेंस एंड सीक्रेसी की जो परंपरा है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, और यहीं से डेफिनेशन आती है स्विस बैंकिंग की। ठीक है, तो यही डिफाइन करती है स्विस बैंकिंग को, इसमें क्या है बेसिकली, साइलेंस एंड सीक्रेसी, ये चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्विस बैंक में है। 1934 में क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता गया। आप स्विस बैंक के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो बेसिकली स्विस बैंक कॉरपोरेशन है, स्टार्टिंग में ये स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक था और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी, और वो वाला मैंने आपको क्रेडिट स्विस बैंक बताया था, वो कब हुआ था, 1856 में, और ये 1854 में हुआ था, तो आसपास ही हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये यूबीएस में मर्ज हो गया था, बाद में जाके यूबीएस में 1998 में मर्ज हो गया था। यूबीएस क्या है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसमें जाके मर्ज हो गया था। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया, और ये यहाँ से मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। हिस्ट्री में क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या सोचा कि जो भी लोग हमारे यहाँ पे पैसा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, उनकी सीक्रेसी की हम ध्यान रखेंगे। 1934 में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड ने एक पास किया फेडरल एक्ट ऑन बैंक्स एंड सेविंग्स बैंक, मतलब कि सेविंग बैंक और फेडरल बैंक पे, बेसिकली एक बैंक पर एक फेडरल एक्ट पास कर दिया इन्होंने। तो ये क्या था, इसको किस नाम से जानते हैं, बैंकिंग लॉ ऑफ 1934। 1934 में पास हुआ था, इसीलिए इसको बैंकिंग लॉ ऑफ 1934 या स्विस बैंकिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड का है, स्विस बैंकिंग एक्ट के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें क्या है, इसमें बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नोन जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 47। ये क्या बताता है, ये बोलता है कि क्राइम टू रिवील डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स टू ऑलमोस्ट एनीवन, किसी को भी आप कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, कोई भी किसी को भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देगा तो वो एक क्राइम होगा। मतलब कि आप क्राइम कर रहे हो, किसी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी भी दूसरी चीज को देना जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, मतलब कि आप गवर्नमेंट को भी नहीं दोगे, किसी भी गवर्नमेंट को भी किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन देना इलीगल रहेगा यहाँ पे, वो एक क्राइम है, विदाउट देयर कंसेंट, अगर उससे पूछे बिना। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेंट। ठीक है, उसमें अगर क्रिमिनल कंप्लेंट है उसके बारे में तो आप दे दो, नहीं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर इस तरह से कोई करता है तो उसको 5 ईयर्स की जेल होगी। तो यहाँ पे ये है, तो 47 जो आर्टिकल है वो लाइज एट द हार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट बैंकिंग सीक्रेसी लॉ एनीवेयर, मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो ये सबसे अच्छा लॉ है सीक्रेसी के हिसाब से, कि मतलब उनकी जो डिटेल है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, उसको सीक्रेट रखा जा रहा है। अब यहाँ पे ये एक अच्छी भी चीज है, ये किसके लिए अच्छी चीज है, जो अपना पैसा वहां पे सेव कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि यार हमारे यहाँ की टैक्स चोरी करके आप दूसरी कंट्री में जाके सेव कर रहे हो, मतलब वो आपका अपना पैसा हो गया, दूसरी कंट्री के बैंक को उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप जो टैक्स से चोरी करके पैसा लेके जा रहे हो, आपको तो फायदा हो गया लेकिन गवर्नमेंट को लॉस हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से उनके लिए नुकसान है। ओके, और जो लोग बाकी टैक्स दे रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, उनके लिए भी नुकसान ही है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो हम अपनी कंट्री के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए तो नुकसान ही है इस चीज का। ओके, अगर टैक्स चोरी करके दे रहे हैं, ब्लैक मनी दे रहे हैं, तो नुकसान है। बाकी कोई अपना व्हाइट पैसा वहां जमा करना चाह रहा है तो आराम से करे यार, उसमें क्या दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट आता है सेफ एंड इजी बैंकिंग के हिसाब से, अगर हम इस बैंक की बात करें तो क्या है, तो स्विस बैंक अकाउंट्स आर अट्रैक्टिव टू डिपॉजिटर्स। ये डिपॉजिटर्स के लिए अट्रैक्टिव है, क्यों क्यों है, क्योंकि इनमें दोनों चीजें, एक तो लो लेवल ऑफ रिस्क है, रिस्क बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि
क्या चाहते हैं हम, एक तो हमें रिस्क ना हो, दूसरी प्राइवेसी हो। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, लो लेवल ऑफ रिस्क विद हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत ज्यादा है और रिस्क जो है वो बहुत ही कम है, तो ये दोनों ही चीजें कोई भी चाहता है, तो इसीलिए ये अट्रैक्टिव है। स्विस इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली स्टेबल, स्विस इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। हमें भी पता है कि स्विट्जरलैंड कितना स्टेबल इकोनॉमी वाला देश है, तो इसकी इकोनॉमी जो है वो एक्सट्रीमली स्टेबल है। एंड द बैंक्स आर रन एट वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो इनकी जो इकोनॉमी है उसका 10% बैंक से चलता है, और बैंक में भी अगर मैं बात करूं, ये स्विस बैंक जो क्रेडिट स्विस बैंक है, मतलब इस टाइप के जो बैंक है यूबीएस, और ये इनका 50% बैंकिंग में 50% का हिस्सा है, और जॉब में भी सेम इसी तरह का है। और पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी की बात करें तो 10% के बैंकिंग सेक्टर से है, ठीक है। ऑलमोस्ट एनी अडल्ट इन द वर्ल्ड कैन ओपन एन अकाउंट इन स्विस बैंक, कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक बेसिक केवाईसी रिक्वायर्ड है, प्लस आपका एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक पासपोर्ट हो जाए, कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जो सब देशों में मान्यता हो, जिसको तो पासपोर्ट चल जाएगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो हर बैंक में चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह का मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, और ये मिनिमम बैलेंस कितना होगा तो आपको भी पता है, जैसे कि SBI में एक मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग होती है, फिर आपका किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग है या आपका करंट अकाउंट है, तो उसके हिसाब से आपकी लिमिट बढ़ जाती है। सेम इसी तरह से आप देखें तो HDFC में अलग लिमिट होगी, SBI में अलग होगी, किसी और बैंक में अलग होगी, तो इस तरह से यहाँ पे भी किस तरह का, किस टाइप का अकाउंट है और किस टाइप का बैंक है, बैंक टू बैंक भी वो मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए वो डिफर करेगा, प्लस किस टाइप का अकाउंट है उस पर भी आपका मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ये चीज उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हाफ 7.9 ट्रिलियन स्विस फ्रेंच, या फिर हम बात करें 8.59 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ये इक्वल टू 8.59 ट्रिलियन डॉलर है, ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन स्विट्जरलैंड बिलोंग टू फॉरेन क्लाइंट्स, मतलब फॉरेन क्लाइंट्स से इतना पैसा इन बैंक्स में है, ठीक है, समझिए आप, हाफ ऑफ इतना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, बैंकिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 10th ऑफ स्विट्जरलैंड GDP, मतलब कि स्विट्जरलैंड की पूरी GDP जो है उसका 10, ठीक है, 1/10, मतलब कि 10 गुना 10% जो है वो कितना है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री से आता है, और सिमिलर शेयर जॉब में भी है, जॉब में भी 10% जॉब जो है वो बैंकिंग में मिलती है। देयर आर ऑलमोस्ट 240 बैंक्स इन द कंट्री, मतलब कि टोटल स्विट्जरलैंड में बात करें तो 240 बैंक्स हैं, और क्रेडिट स्विस और UBS कंट्रोल है वो 50% ऑफ ऑल बैंकिंग एसेट्स, मतलब कि ये जो क्रेडिट स्विस बैंक जिसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन डेटा लीक हुआ है, और UBS क्या हो गया आपका, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो कि आपका स्विस बैंक है, ठीक है, ये 50% ऑल बैंकिंग एसेट का रखते हैं, ठीक है। अब बात करें ब्लैक मनी की, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे सामने नाम आता है ब्लैक मनी, जो कि हम स्विस बैंक में जाके जमा करते हैं। तो ब्लैक मनी जो स्विट्जरलैंड में या स्विस बैंक में हम जाके जमा कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल इशू है इंडिया में। इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, वो क्या बोलती हैं कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, इस तरह के प्रॉमिस लड़ती हैं, और उस बात पे वो जीत भी जाते हैं। तो वो चाहते भी हैं कि हम वापस लेके आए, क्यों, क्योंकि वो टैक्स से चुराए हुआ पैसा है जो बाहर जाके जमा कर रहे हो, तो इस तरह से चाहती हैं। तो इन्होंने जो स्विस अथॉरिटी है उनसे बात की, और उन्होंने भी ये बोला कि वो कॉपरेट करेंगे विथ इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट टैक्स इवेशन एंड फ्रॉड, मतलब कि जो भी फ्रॉड करके वहां जाता है या टैक्स चोरी करके वहां जाता है, तो वो उस टैक्स चोरी किया गया जो पैसा है उसको पता करने में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करेंगी। टू कंट्रीज हैव हैड अ सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन टैक्स मैटर्स, ये कब से हुआ, 2018 से, दो कंट्रीज एक दूसरे की साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगी, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर देंगी टैक्स मैटर में, मतलब कि कोई टैक्स चुरा के अगर भाग रहा है दूसरी कंट्री में, तो वो कंट्री भी हेल्प करेगी, दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगी अगर उनके यहाँ से कोई भी टैक्स चुरा के भाग रहा है। ये 2018 में हुआ, जिसमें क्या है, डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंडियन रेसिडेंट्स विथ अकाउंट्स इन स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पर इनकी पास में, इन बैंक्स में अगर किसी का अकाउंट है तो जो इंडियन रेसिडेंट है तो उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये बताएंगे। वॉज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम
टू इंडियन अथॉरिटी इन सेप्टेम्बर 2019। तो ये 2018 से इस तरह का, और इस बार इन्होंने 2019 में, सेप्टेम्बर 2019 में पहली बार इनकी इंफॉर्मेशन बताई। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। तो ये बेसिकली इंडिया के हिसाब से है। यहाँ पे आप ये भी एक बैंक देख सकते हो, ये बैंक है, ठीक है, स्विस बैंक। और ये यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।